Hello guys, this is Chetan Varma and you are watching my YouTube channel CSP Institute. मशीन लर्निंग की आगे की सीरीज के अंदर हम देखेंगे डेटा प्रोसेसिंग को। तो डेटा प्रोसेसिंग के अंदर सबसे पहले है अंडरस्टैंडिंग डेटा प्रोसेसिंग कि होता क्या है डेटा प्रोसेसिंग बेसिकली। ठीक है, तो डेटा प्रोसेसिंग इज द टास्क ऑफ कन्वर्टिंग डेटा फ्रॉम अ गिवन फॉर्म टू अ मच मोर यूजेबल एंड डिजायर्ड फ्रॉम फॉर्म दैट इज मेकिंग इट मोर मीनिंगफुल एंड इंफॉर्मेटिव। डेटा प्रोसेसिंग क्या है कि हम कन्वर्ट कर रहे हैं डेटा को, एक गिवन फॉर्म है हमारे पास में, कोई भी गिवन फॉर्म है, उससे हम उसको मोर यूजेबल फॉर्म में या फिर डिजायर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, जिसके जिसके आधार के ऊपर हम उस डेटा से काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। वो डेटा एक इंफॉर्मेटिव डेटा होगा और उसका कुछ मीनिंग होगा, कुछ आधार होगा। यूजिंग मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स, मैथमेटिकल मॉडलिंग एंड स्टैटिस्टिकल नॉलेज द एंटायर प्रोसेस कैन बी ऑटोमेटेड। तो मैथमेटिक्स देखिए, पूरी मशीन लर्निंग के अंदर मैथमेटिक्स बहुत ही इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया है। देन स्टैटिस्टिक्स, द एंटायर प्रोसेस कैन बी ऑटोमेटेड, उस एंटायर प्रोसेस को हम ऑटोमेट कर सकते हैं। द आउटपुट ऑफ दिस कंप्लीट प्रोसेस कैन बी इन एन डिजायर्ड फॉर्म लाइक ग्राफ्स, वीडियोज, चार्ट्स, टेबल्स, इमेजेस एंड मैनी मोर, डिपेंडिंग ऑन द टास्क वी आर परफॉर्मिंग एंड द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द मशीन। तो कह रहे हैं कि जो आउटपुट है इसका, इस कंप्लीट प्रोसेस का, ये सब हो सकते हैं, ग्राफ्स हो सकते हैं, वीडियोज हो सकते हैं, चार्ट्स हो सकते हैं, टेबल्स हो सकते हैं, वो तो हमारे ऊपर है कि हम क्या चाहते हैं, एक्चुअली हम क्या आउटपुट चाहते हैं। दिस माइट सीम टू बी सिंपल, बट व्हेन इट कम्स टू मैसिव ऑर्गेनाइजेशन लाइक ट्विटर, फेसबुक, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज लाइक पार्लियामेंट, यूनेस्को एंड हेल्थ केयर, हेल्थ सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन, द एंटायर प्रोसेस नीड्स टू बी परफॉर्म्ड इन अ वेरी स्ट्रक्चर्ड मैनर। ठीक है, सो द स्टेप टू परफॉर्म आर एज फॉलोज। तो कह रहा है कि जब भी ये बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर बात आ जाती है ना, तो इन स्टेप्स को परफॉर्म करना एक सिस्टमेटिक ऑर्डर में बहुत ही ज़रूरी है। सिस्टमेटिक ऑर्डर में अगर हम परफॉर्म नहीं करेंगे ना, तो इतना बड़ा डेटा है हमारा, हमें पता ही नहीं होगा कि हम कौन से जगह पर खड़े हैं, हमें आगे क्या करना है, अगर कुछ गलती होगी तो उसको कैसे सही करना है। तो ये हो गया, डेटा प्रोसेसिंग इज अ क्रूशियल स्टेप इन मशीन लर्निंग पाइपलाइन। मशीन लर्निंग पाइपलाइन के अंदर ये सबसे क्रूशियल स्टेप है, एज इट प्रिपेयर्स द डेटा फॉर यूज इन बिल्डिंग एंड ट्रेनिंग एमएल मॉडल। जैसा कि ये प्रिपेयर करता है एक डेटा को, रो डेटा को एक यूजफुल इंफॉर्मेटिव डेटा के अंदर कन्वर्ट करता है, उसको रो फॉर्म को इंफॉर्मेटिव फॉर्म में कन्वर्ट करता है। ठीक है, सो इट प्रिपेयर्स द डेटा फॉर यूज इन बिल्डिंग ट्रेनिंग एमएल मॉडल्स। द गोल ऑफ डेटा प्रोसेसिंग इज टू क्लीन, ट्रांसफॉर्म एंड प्रिपेयर द डेटा इन फॉर्मेट दैट दैट इज सुटेबल फॉर मॉडलिंग। इसका जो डेटा प्रोसेसिंग का जो गोल है, वो है कि हम क्लीन कर सके डेटा को, ट्रांसफॉर्म कर सके, प्रिपेयर कर सके उस डेटा को उस फॉर्मेट में, जिससे कि हम मॉडलिंग करने में आसानी हो, सुटेबल हो। तो ये हमारे पास में फॉलोइंग स्टेप्स हैं जिनकी मदद से हम ये कर सकते हैं। सबसे पहला स्टेप है डेटा कलेक्शन। दिस इज द प्रोसेस ऑफ गैदरिंग डेटा फ्रॉम वेरियस सोर्सेज सच एज सेंसर्स, डेटाबेसेस और अदर सिस्टम्स। द डेटा मे बी स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड एंड मे कम इन वेरियस फॉर्मेट्स सच एज टेक्स्ट, इमेजेस और ऑडियोज। सो डेटा कलेक्शंस इज वेरी इंपॉर्टेंट टास्क एक्चुअली। सो यहाँ पर हम डेटा को गैदर कर रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से, कोई डेटाबेस से उठा लिया, कोई सेंसर से उठा लिया, अदर सिस्टम से उठा लिया। सो डेटा को कलेक्ट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट टास्क। देन डेटा प्री प्रोसेसिंग। डेटा प्री प्रोसेसिंग क्या है कि दिस स्टेप इन्वॉल्व्स क्लीनिंग, फिल्टरिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग द डेटा टू मेक इट सुटेबल फॉर फर्दर एनालिसिस।
इस स्टेप के अंदर हम क्लीन कर रहे हैं, फिल्टर कर रहे हैं और ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं डेटा को, जिसके आधार पे हम उसको और सुटेबल बना सकते हैं फर्दर एनालिसिस के लिए। दिस मेक इंक्लूड रिमूविंग मिसिंग वैल्यूज, स्केलिंग और नॉर्मलाइजिंग द डेटा और कन्वर्टिंग इनटू अ डिफरेंट फॉर्मेट। इसी के अंदर मतलब हम कोई मिसिंग वैल्यूज है उसको रिमूव कर दिया, स्केलिंग कर दिया या उसको नॉर्मलाइज कर दिया, डेटा को कन्वर्ट कर दिया उसको डिफरेंट फॉर्मेट में, जेसन को सीएसवी फाइल में, सीएसवी को जेसन फाइल में, कुछ इस तरीके से, है ना। तो क्लीन कर रहे हैं बेसिकली, डेटा को क्लीन किया जा रहा है, उसको फिल्टर किया जा रहा है, ट्रांसफॉर्म किया जा रहा है डेटा को, ठीक है, कि हम उसको फर्दर एनालिसिस के लिए बहुत ही वो सुटेबल हो जाए हमारा डेटा, ठीक है। अब है डेटा एनालिसिस, डेटा प्री प्रोसेसिंग हो गया, डेटा एक्विजिशन हो गया, डेटा प्री प्रोसेसिंग हो गया, अब डेटा को एनालिसिस एनालाइज करना। तो डेटा एनालिसिस, इन दिस स्टेप द डेटा इज एनालाइज्ड यूजिंग वेरियस टेक्निक्स सच एज स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स और डेटा विजुअलाइजेशन। द गोल ऑफ दिस स्टेप इज टू ड्राइव इनसाइट्स और नॉलेज फ्रॉम द डेटा। मतलब इस पर्टिकुलर स्टेप का जो गोल है, इस जो पर्टिकुलर स्टेप का डेटा एनालिसिस का जो गोल है, वो हमें एक इनसाइट दे रहा है या फिर नॉलेज दे रहा है डेटा से। वो डिराइव कर रहा है एक इनसाइट हमारी या फिर एक नॉलेज टुवर्ड्स दी डेटा, फॉर द डेटा, फ्रॉम द डेटा, नॉट टुवर्ड्स दी डेटा, फ्रॉम द डेटा। देन फोर्थ स्टेप इज डेटा इंटरप्रिटेशन। दिस स्टेप इन्वॉल्व्स इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स ऑफ डेटा एनालिसिस एंड ड्रॉइंग कंक्लूजन बेस्ड ऑन इनसाइट्स गेन। कह रहा है कि ये जो स्टेप है, इसके अंदर हम रिजल्ट को इंटरप्रेट कर रहे हैं बेसिकली। डेटा एनालिसिस से जो भी हमें मिला है, उसको हम एक कंक्लूजन की तरफ मोड़ रहे हैं, ठीक है। जो भी हमें इनसाइट गेन हुई है, जो भी हमें नजरिया मिला है, उस नजरिए को हम किधर मोड़ रहे हैं, इस तरफ मोड़ रहे हैं कि भैया कंक्लूजन की तरफ, इन्फर की तरफ हम कर पाए, इनको कंक्लूड कर पाए, इन्फर कर पाए। इट मे ऑल्सो इन्वॉल्व प्रेजेंटिंग द फाइंडिंग्स इन अ क्लियर एंड कंसाइज मैनर। ये इन्वॉल्व करता है, अपने साथ में रखता है कि हम किस तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं, कि फाइंडिंग इन अ क्लियर एंड कंसाइज मैनर सच एज थ्रू थोरो रिपोर्ट्स हो गई, डैशबोर्ड्स हो गए और अदर विजुअलाइजेशन हो गए। अगर आपको डैशबोर्ड नहीं पता तो देखो डैशबोर्ड कैसे काम करता है ना। मैं ये आपका एक डैशबोर्ड हो गया, ठीक है, ये आईआईटी मद्रास का पाइथन का डैशबोर्ड है, तो कुछ इस तरीके से डैशबोर्ड हो गया। तो ये एक प्रेजेंटेशन हो गया उसका, ठीक है। और भी तरीके होते हैं, जैसे कि मैं स्टॉक स्टॉक प्रिडिक्शन डैशबोर्ड दिखाता हूँ। प्रिडिक्शन डैशबोर्ड, तो यहाँ आप देख सकते हो, ये रहा। तो एक डैशबोर्ड के अंदर कन्वर्ट कर देता है इसको। सो आई होप आप इससे समझ पाए होंगे कुछ। डेटा विजुअलाइजेशन, ये विजुअलाइजिंग फॉर्म है डेटा की, ठीक है। सो ये हो गया डेटा इंटरप्रिटेशन। फिर है डेटा स्टोरेज एंड मैनेजमेंट। डेटा को स्टोर करना और उसको मैनेज करना, इट्स वेरी टीडियस टास्क। वंस द डेटा हैज बीन प्रोसेस्ड एंड एनालाइज्ड, इट मस्ट बी स्टोर्ड एंड मैनेज्ड इन अ वे दैट दैट इज सिक्योर एंड इजीली एक्सेसिबल। दिस में इन्वॉल्व स्टोरिंग द डेटा इन अ डेटाबेस, क्लाउड स्टोरेज और अदर सिस्टम्स, एंड इम्प्लीमेंटिंग बैकअप एंड रिकवरी स्ट्रेटजीज टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट डेटा लॉस। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट डेटा स्टोरेज एंड मैनेजमेंट। देन डेटा विजुअलाइजेशन एंड रिपोर्टिंग, डेटा को विजुअलाइज करना, उसकी रिपोर्टिंग। फाइनली द डेटा ऑफ रिजल्ट्स ऑफ द डेटा एनालिसिस आर प्रेजेंटेड टू स्टेक होल्डर्स इन अ फॉर्मेट दैट इज इजीली अंडरस्टेबल एंड एक्शनेबल।
अब देखो, डेटा को एनालाइज करने के बाद में उसका करेंगे क्या, जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको इस फॉर्मेट में देखिए, वो आसानी से उसको समझ पाए और उसके आधार पे कुछ एक्शंस ले पाए, कुछ एक्शन परफॉर्म कर पाए। दिस में इन्वॉल्व क्रिएटिंग विजुअलाइजेशन, रिपोर्ट्स और डैशबोर्ड्स दैट हाईलाइट की फाइंडिंग्स एंड ट्रेंड्स इन डेटा। ओके, सो हमारे पास में देर आर मैनी टूल्स एंड लाइब्रेरीज अवेलेबल फॉर डेटा प्रोसेसिंग इन ML, इंक्लूडिंग पांडास फॉर पाइथन एंड द डेटा ट्रांसफॉर्मेशन एंड क्लीनिंग टूल्स इन रैपिड माइनर। द चॉइस ऑफ टूल्स विल डिपेंड ऑन द स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट, इंक्लूडिंग द साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द डेटा एंड द डिजायर्ड आउटकम। सो डेटा प्रोसेसिंग कंटेन कलेक्शन, प्रिपरेशन, इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट एंड स्टोरेज। डेटा को कलेक्ट किया, उसको प्रिपेयर किया, फिर इनपुट दिया, उसके ऊपर प्रोसेसिंग की, आउटपुट क्रिएट हुआ और उसको स्टोर कर लिया। ठीक है, तो CPI POS इस तरीके से याद कर सकते हैं कि CPI एंड POS। CPI चेतन पुलिस में IES है, पुलिस में सब इंस्पेक्टर भी बन सकता है अगर काम नहीं किया तो। इस तरीके से याद कर सकते हैं कि चेतन पुलिस में IES है अभी तो, लेकिन अगर पुलिस में काम नहीं किया तो SI भी बन सकता है। ठीक है, सो CPI एंड POS इस तरीके से याद कर सकते हो। सी से कलेक्शन, प्रिपरेशन, इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट एंड स्टोरेज। ओके, सो आई होप आप ये समझ में आया होगा आपको। अब एक एक करके इसके ऊपर थोड़ा सा समझ लेते हैं कि डेटा प्रोसेसिंग है क्या, कैसे कलेक्शन, प्रिपरेशन, इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट, स्टोरेज काम करता है। कलेक्शन, द मोस्ट क्रूशियल स्टेप व्हेन स्टार्टिंग विद ML इज टू हैव डेटा ऑफ गुड क्वालिटी एंड एक्यूरेसी। डेटा कैन बी कलेक्टेड फ्रॉम एनी ऑथेंटिकेटेड सोर्स लाइक डेटा डॉट गवर्नमेंट डॉट इन, कैगल और UCI डेटा रिपोजिटरी। दीज आर द साइट्स फ्रॉम वेयर वी कैन कलेक्ट द डेटा। फॉर एग्जाम्पल, व्हाइल प्रिपेयरिंग फॉर एन कॉम्पिटिटिव एग्जाम, स्टूडेंट स्टडी फ्रॉम द बेस्ट स्टडी मटीरियल दैट दे कैन एक्सेस सो दैट दे लर्न द बेस्ट टू ऑब्टेन द बेस्ट रिजल्ट। इन द सेम वे, हाई क्वालिटी एंड एक्यूरेट डेटा विल मेक द लर्निंग प्रोसेस ऑफ द मॉडल ईजियर एंड बेटर, एंड एट द सेम टाइम At the time of testing, the model would yield state of the art results. So, ये मतलब सबसे इंपॉर्टेंट है कि जितना अच्छा डेटा दोगे उतना ही अच्छा रिजल्ट आएगा। A huge amount of capital, time and resources are consumed in collecting data. That we know. Organizations are researchers or researchers have to decide what kind of data they need to execute their tasks. और रिसर्च एग्जाम्पल, वर्किंग ऑन द फाइनेंशियल एक्सप्रेशन रिकॉग्नाइजर नीड्स न्यूमेरियस इमेजेस हैविंग अ वैरायटी ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंसेस एक्सप्रेशंस सॉरी। गुड डेटा इंश्योर्स दैट द रिजल्ट्स ऑफ द मॉडल आर वैलिड एंड कैन बी ट्रस्टेड। डेटा की क्वालिटी ही उसके अच्छे रिजल्ट को निर्धारित करती है। फिर हो गया प्रिपरेशन। द कलेक्टेड डेटा कैन बी इन अ रॉ फॉर्म विच कैन नॉट बी डायरेक्टली फीड टू द मशीन। सो दिस इज अ प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग डेटा सेट्स फ्रॉम द डिफरेंट सोर्सेज, एनालाइजिंग दीज डेटा सेट्स एंड देन कंस्ट्रक्टिंग अ न्यू डेटा सेट फॉर फर्दर प्रोसेसिंग एंड एक्सप्लोरेशन। दिस प्रिपरेशन कैन बी परफॉर्म आइदर मैनुअली और फ्रॉम द ऑटोमेटिक अप्रोच। डेटा कैन ऑल्सो बी प्रिपेयर इन न्यूमेरिक फॉर्म्स ऑल्सो विच वुड फास्टन द मॉडल्स लर्निंग। तो देखिए, डेटा को रो फॉर्म में कलेक्ट करना हम डायरेक्टली मशीन को नहीं दे सकते हैं, तो इस प्रोसेस के अंदर क्या हो रहा है कि हम कलेक्ट कर रहे हैं डेटा सेट्स को डिफरेंट सोर्सेज से, एनालाइज कर रहे हैं इन डेटा सेट्स को और कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं न्यू डेटा सेट जिसको हम फर्दर प्रोसेसिंग और एक्सप्लोरेशन के लिए यूज कर सकते हैं।
जो ये प्रिपरेशन है वो परफॉर्म हो सकती है आइदर मैनुअली और ऑटोमेटिक अप्रोच। सो डेटा कैन बी प्रिपेयर्ड इन न्यूमेरिक फॉर्म्स ऑल्सो विच वुड फास्टन देन द मॉडलिंग मॉडल्स लर्निंग। न्यूमेरिक फॉर्म में होगा तो आसानी से मॉडल बहुत जल्दी लर्न कर लेगा। एग्जाम्पल, एन इमेज कैन बी कन्वर्टेड इंटू कन्वर्टेड टू अ मैट्रिक्स ऑफ एन इंटू एन डायमेंशंस। द वैल्यू ऑफ ईच सेल विल इंडिकेट द इमेज पिक्सल। देखो, एक इमेज होती है ना, अगर आप उसको जूम करके देखोगे तो उसके अंदर आपको पिक्सल दिखेंगे, उसके अंदर आपको पिक्सल्स दिखेंगे जब आप उसको जूम करके देखोगे। तो हर एक इमेज के अंदर एक पिक्सल्स होते हैं उसके, तो वो एक आर वाई बी के रेशियो को डिफाइन करता है। ठीक है, फिर आपका हो गया इनपुट। नाउ द प्रिपेयर डेटा कैन बी इन द फॉर्म दैट मे नॉट बी मशीन रीडेबल। अब जो प्रिपेयर डेटा है वो इस फॉर्म में है कि मशीन उसको रीड नहीं कर सकती। सो टू कन्वर्ट दिस डेटा टू द रीडेबल फॉर्म सम कन्वर्जन एल्गोरिदम्स आर नीडेड। फॉर दिस टास्क टू बी एग्जीक्यूटेड हाई कंप्यूटेशन एंड एक्यूरेसी इज नीडेड। एग्जाम्पल, डेटा कैन बी कलेक्टेड थ्रू द सोर्सेज लाइक MNIST, डिजिट डेटा इमेजेस दैट इज ट्विटर कमेंट्स ऑडियो फाइल्स वीडियो क्लिप्स। सो वी हैव टू कन्वर्ट इंटू अ मशीन रीडेबल फॉर्म, ठीक है, बाई यूजिंग कन्वर्जन एल्गोरिदम्स। ओके, देन प्रोसेसिंग। अब चूंकि आपने इनपुट दे दिया है, अब आप बारी है प्रोसेसिंग की। दिस इज द स्टेज वेयर एल्गोरिदम्स एंड मशीन लर्निंग टेक्निक्स आर रिक्वायर्ड टू परफॉर्म द इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइडेड ओवर अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा विद एक्यूरेसी एंड ऑप्टिमल कंप्यूटेशन। इस स्टेज के अंदर जहाँ पर आपकी एल्गोरिदम्स और मशीन लर्निंग टेक्निक्स है उनकी ज़रूरत पड़ती है कि वो परफॉर्म करे, टू परफॉर्म द इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइडेड ओवर अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा विद एक्यूरेसी एंड ऑप्टिमल कंप्यूटेशंस के लिए। ठीक है, देन वी हैव आउटपुट। इन दिस स्टेज रिजल्ट्स आर प्रोक्योर्ड बाय द मशीन इन अ मीनिंगफुल मैनर विच कैन बी इन्फर्ड इजिली बाय यूजर। आउटपुट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ रिपोर्ट्स ग्राफ्स वीडियोस एक्सेट्रा। ओके, देन स्टोरेज। दिस इज द फाइनल स्टेप इन विच ऑब्टेन्ड आउटपुट एंड द डेटा मॉडल डेटा एंड ऑल द यूजफुल इंफॉर्मेशन आर सेव फॉर फर्दर यूज। ओके सर, एडवांटेज ऑफ डेटा प्रोसेसिंग इन मशीन लर्निंग, वॉट विल बी द एडवांटेज? फर्स्ट इज इम्प्रूवड मॉडल परफॉर्मेंस। ऑफकोर्स इट विल इम्प्रूव द परफॉर्मेंस मॉडल मॉडल परफॉर्मेंस। डेटा प्रोसेसिंग हेल्प्स इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ द मशीन लर्निंग मॉडल बाई क्लीनिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग द डेटा इन टू अ फॉर्मेट दैट इज सुटेबल फॉर द मॉडलिंग। बेटर रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा ऑफ द डेटा। डेटा प्रोसेसिंग अलाउज द डेटा टू बी ट्रांसफॉर्म्ड इन टू अ फॉर्मेट दैट बेटर रिप्रेजेंट्स द अंडरलिंग रिलेशनशिप्स एंड पैटर्न्स इन द डेटा मेकिंग इट ईजियर फॉर द मशीन लर्निंग मॉडल टू लर्न फ्रॉम द डेटा। ओके, देन थर्ड पार्ट इज इंक्रीज्ड एक्यूरेसी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। डेटा प्रोसेसिंग हेल्प्स इंश्योर दैट द डेटा इज एक्यूरेट कंसिस्टेंट एंड फ्री ऑफ एरर्स। ये जो इंक्रीज्ड एक्यूरेसी की बात कर रहे हैं तो ये यहाँ हम ये इंश्योर कर रहे हैं कि आपका जो डेटा है वो कंसिस्टेंट है, एक्यूरेट है और फ्री ऑफ एरर्स है, विच कैन हेल्प इम्प्रूव द एक्यूरेसी ऑफ द मशीन लर्निंग मॉडल। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट सम डिसएडवांटेज ऑफ दिस दिस सिस्टम। टाइम कंज्यूमिंग, इट इज टाइम कंज्यूमिंग एक्चुअली, टेक्स लॉट ऑफ टाइम। इफ आवर डेटा इज वेरी लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स सो इट टेक्स वेरी लॉन्ग टाइम। एरर प्रोन, ये डेटा प्रोसेसिंग कैन बी एन एरर प्रोन एज इट इन्वॉल्व ट्रांसफॉर्मिंग एंड क्लीनिंग द डेटा विच कैन रिजल्ट इन द लॉस ऑफ इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन और द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू एरर्स। पॉसिबल है
हो सकता है कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्लीनिंग के दौरान बहुत ही महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन को लूज कर दे, या फिर कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन को लेके आ जाए जो कि इरोनियस है। फिर है लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द डेटा। डेटा प्रोसेसिंग कैन लीड टू अ लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द डेटा एज द ट्रांसफॉर्म्ड डेटा मे नॉट बी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द अंडरलाइंग रिलेशनशिप्स एंड पैटर्न्स इन द डेटा। कह रहा है कि डेटा को हम लिमिटली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ट्रांसफॉर्म डेटा मे नॉट बी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द अंडरलाइंग रिलेशनशिप्स एंड पैटर्न्स इन द डेटा। जो रिलेशनशिप है और पैटर्न्स है डेटा के अंदर, शायद वो उसको रिप्रेजेंट ना कर पाए ट्रांसफॉर्म्ड डेटा। तो ये इसके डिसएडवांटेज हैं। कौन कौन से हैं? टाइम कंज्यूमिंग, एरर प्रॉन और लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग। जो उसके रिलेशन की जो लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग है बहुत ही लिमिटेड हो सकती है। सो यही डेटा प्रोसेसिंग का आधार है। आई होप समझे होंगे आप डेटा प्रोसेसिंग को। डेटा प्रोसेसिंग के अंदर कलेक्शन, प्रिपरेशन, इनपुट, प्रोसेस, प्रोसेसिंग, आउटपुट एंड स्टोरेज, यू हैव अंडरस्टूड मे बी, एंड पार्ट ऑफ दैट द मेन स्टेप्स इन्वॉल्व इन डेटा प्रोसेसिंग। डेटा प्रोसेसिंग देखो यहाँ ये वाला पार्ट है, तो इसके अंदर जो मेन स्टेप है वो यही है कि डेटा कलेक्शन, डेटा प्री प्रोसेसिंग, डेटा एनालिसिस, डेटा इंटरप्रिटेशन, स्टोरेज एंड मैनेजमेंट, विजुअलाइजेशन एंड रिपोर्टिंग। सो दीज आर सिक्स स्टेप्स अंडरलाइंग इन डेटा प्रोसेसिंग। ओके, सो दिस इज इट फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।